तो सबसे पहले चीज को समझते हैं कि एक्सेल जो है, अब जानते हैं एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल की बेसिक बताने की जरूरत है नहीं, बट मुझे ये चीज समझाना है कि आखिर एडवांस एक्सेल है क्या। आपने मुझे चूज किया है इतने दूर से और इतने पेशेंस के साथ आपने हमारे साथ रहे हैं, तो ये चीज को जानना जरूरी है कि बेसिक एक्सेल क्या होता है और एडवांस एक्सेल क्या होता है। देखो अब कुछ लोगों के अंदर में कुछ कंफ्यूजन्स है जो मुझे फोन करके बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या कंफ्यूजन्स होती है। सबसे पहले कंफ्यूजन होती है लोगों के बीच में कि एडवांस एक्सेल अलग है और एडवांस एक्सेल को वीवीए प्रोग्रामिंग को एडवांस एक्सेल कह देते हैं और नॉर्मल एक्सेल को बेसिक एक्सेल कह देते हैं, जो कि गलत। ठीक है, कोडिंग अलग पार्ट हो गया, एक्सेल के फीचर अलग पार्ट हो गए। दूसरी कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सेल की कुछ कुछ टॉपिक बेसिक होती है, कुछ कुछ टॉपिक एडवांस होती है। ये भी गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी रिवील नहीं किया है कि ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है, ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस। ठीक है, वो बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी यूजेस के ऊपर, किसके ऊपर, यूजेस के ऊपर। अब चलिए इसको हम दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब यहां पे मैंने 20 टाइप किया और यहां पे 30 टाइप। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर अगर पेस्ट करता हूं तो जाहिर सी बात है रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जब इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में एक फीचर होता है, क्या होता है फीचर में, क्या होता है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में कुछ कैलकुलेशन से ऐड हो गया। तो अब मैं पेस्ट करूंगा तो 20 और 30 के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा और रिजल्ट 50 यहां पेस्ट हो जाएगा। हो गया 50 पेस्ट। एक बार और बताता हूं, राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल और मैंने यहां पे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और 1000 आ जाएगा। तो आपने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा कि हम कभी किसी शीट को किसी अनदर शीट से, किसी सेल को किसी अनदर सेल पे कॉपी पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन सेलेक्ट करें, जो ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे वो उनके बिटवीन में ऑपरेशन होके वो रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपने सीखा कि किस फीचर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट, कि कौन सा फीचर क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करना। देखो तो इसको मेरे हिसाब से बेसिक एक्सेल कहा जाए। इस तरह के टॉपिक्स आपको कोई पढ़ा रहा है कि कौन सा चीज से क्या कैसे अप्लाई होता है, क्या रिजल्ट देता है, ये बेसिक ही मेरे नजर में। क्यों, जब हम पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते, हम लोग हिंदी मीडियम में थे तो पढ़ते थे वृत्त का परिधि, माने कि सर्कल ऑफ स्क्वायर ऑफ सर्कल, उसका हम लोग जो है फॉर्मूला याद करते थे और प्रैक्टिस करते थे। और हमारे टीचर कहते थे कि इसको रट्टा मार लो, ये 5 नंबर का पूछता ही पूछता है बोर्ड में। अब यहां तो कोई बोर्ड वाली सवाल तो है नहीं कि आपको जो है रट्टा मरवा दूं, एक लंबी सी सर्टिफिकेट दिला दूं, कहो कि जाइए आप अब आज से एक्सेल जान के जानकार हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहां तो हमें चीजों को ऑफिशियल प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करना है। तो अगर इसी टॉपिक को एडवांस लेवल में किसी प्रोफेशनल से, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, वो आपको बोलेगा तो क्या समझाएगा। चलिए मैं बताता हूं, ये मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं इसी फीचर को एडवांस लेवल। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे। जैसे एक्सेल में क्या होता है कि 20% 20% लिखने के लिए हमें परसेंट का सिंबल देना होता है, राइट। अगर मैं 20 टाइप करके इसके ऊपर परसेंट का सिंबल लगा दिया तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = क्या होता है 100%। मतलब इसका मतलब कि मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगाना है, मुझे बाद में कोई परसेंटेज लगाना है तो क्या करना होगा, हमें डेसिमल में 0.20 लिखना है और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल देना होगा। ठीक है,
अब यही प्रॉब्लम होती थी कि हमारे कलीग हैं मुझे डेटा भेजते थे, डेटा में कुछ इस तरह से मुझे डेटा भेज देते थे, रैंड बिटवीन का फॉर्मल लगाया और इस तरह से डेटा मुझे भेज दिया, ठीक है। अब उनके हिसाब से ये 89% है, क्या है 89%, बट एक्सेल के लिए तो इसी 89 नंबर है, मतलब कि मुझे अगर 500 का 89% निकालना है, अगर 89% परसेंट सिंबल में है तो जस्ट मल्टीप्लाई टूगेदर, अगर 89 जो है सिर्फ 89 नंबर फॉर्मेट में है तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना होगा, मतलब कि मुझे फॉर्मूले में क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा, क्या सर? बट यही प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ऐसा डेटा कई जगहों से आता है और इसको मैं अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल करता हूं। अब मोस्टली लोग मुझे डेटा परसेंट फॉर्मेट में भेजते हैं, अब एक दो लोग हैं जो कि डेटा इस तरह से भेजते हैं, अब एक दो लोगों के लिए मैं पूरी फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इस डेटा को अपने रिपोर्ट में यूज करने से पहले यही पे परसेंट में कन्वर्ट करूं। तो परसेंट में कन्वर्ट कैसे होगा? कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, पहला कि मैं डबल क्लिक करूं और इसमें एक एक करके परसेंट का सिंबल इस तरह से लगाऊं। पॉसिबल कब है? जब आपके पास डेटा छोटा सा है, 10-20-50 होगा, लेकिन 10-20-50 हज़ार का हुआ तो पॉसिबल नहीं। तो दूसरा तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो कुछ इस तरह से, और फिर इसको सेलेक्ट करके परसेंट का सिंबल लगा दो। आप बोलेंगे सर ये भी तो वही हुआ, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं, मतलब कि यहां आपके सामने दिख रहा है C21, सीट वन पे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल यहां इंप्लीमेंट करेंगे। मैं यहां पे 100 टाइप करूंगा, इस 100 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां कर दूंगा डिवाइड। हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल हो जाएगा और परसेंटेज लगा ली, समझे। अब आप कंपेयर कीजिए कि सेम फीचर्स मैंने आपको यहां समझाया, तो इसको आप ज्यादा तजुर्बा नहीं देंगे, ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देंगे, क्यों? हाँ हाँ हो जाएगा, होता होगा ऐसा, आप डिवाइड तो मैं ऐसे ही कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत। लेकिन जब इसी चीज को एक प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ समझाया, पानी ना, तो अब आपको समझ में आया कि हाँ सही है। अब कुछ लोग मुझे पूछते हैं शॉर्टकट्स के बारे में, बिना पेस्ट किए कैसे लगाइए बताइए। जी हाँ, एक 100 को यहाँ पे जो 100 है ना, एक किसी सेल में 100 टाइप कर दे और इस 100 को कॉपी करना है, मतलब कि डेटा कॉपी नहीं करना है, और डेटा को सिलेक्ट करके इसके ऊपर 100 को पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट नहीं, पेस्ट स्पेशल करना है, इसमें क्या करना है, डिवाइड। तो इससे क्या होगा, एक परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा, एक डेसिमल में कन्वर्ट होगा, और मैंने अभी समझाया ना कि डेसिमल परसेंटेज ही होता है, अगर हम परसेंट का सिंबल डाल दे तो क्या। अब अगली जो टॉपिक है वो है हमारा शॉर्टकट्स के बारे में, शॉर्टकट्स। अब कुछ लोग बोलते थे शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एल, इससे शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को जानने से फायदा क्या है? अब मान लीजिए मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल लगा दूं, चाहे यहां से लगा दूं, कितना टाइम बचा लूंगा यहां से फिल्टर लगाने में, और शॉर्टकट लिस्ट किसी से पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आपके हेल्प एंड सपोर्ट में यहां पे सर्च कीजिएगा शॉर्टकट, आपको आ जाएगा, गूगल वगैरह तो बहुत दूर की चीज है, आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे आ गए, एक्सेल में आ गए। लेकिन मैं बता रहा हूं अपने काम की शॉर्टकट, जो आप काम करते हैं ना, उस काम को कैसे शॉर्टकट किया, प्रॉब्लम को शॉर्टकट कैसे किया है। अब चलिए प्रॉब्लम शॉर्टकट के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास कुछ नेम, मैंने यहां पे लिस्ट ऑफ नेम बना रखा है, इसको ड्रैग किया,
और यहाँ पे मंथ है हमारे पास। अब फिलहाल मंथ वाइज है, लेकिन हो सकता है कि डेली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, कई साल का डेटा हो या कुछ और हो, वो बड़ा कहते हैं बहुत सारा कॉलन हो। फिलहाल तो 12 कॉलन, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये डेटा बना लिया रैंडमिक में कॉमन लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सी, प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, और ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना, उसका हेडिंग देना है परसेंटेज या कुछ और हेडिंग देना है। उसके बाद मुझे इसको डिवाइड करना है 70 से, किससे करना है? 70 से, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करना है और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल लगा देना। अब 12 सीट है, 12 कॉलम है, तो मुझे 12 बार करना है। लेकिन हो सकता है कि 90 हो, 365 हो, क्या? तो कुछ ऐसा शॉर्ट तरीका होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए, जिस काम को अब मान लीजिए 365 होता, 365 को करने में आपको कम से कम 3 से 3 घंटा लगता। बहुत ही फास्ट करेंगे फिर भी आपको 1.5 घंटा तो लगेगा। 365 कॉलम ऐड करना, 365 कॉलम में डिवाइड करना और नीचे ट्रैक करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको यूज किया जा सकता है, लेकिन मेरा तरीका क्या है, देखिए मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे 1 2 करके सीरियल नंबर दे दूंगा, और इसी सीरियल नंबर को कॉपी कर इसके बगल में पेस्ट कर दूंगा, यहां पे परसेंट का सैंपल दे दूंगा, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे शॉर्ट में। कहाँ जाएंगे? शॉर्ट में, कस्टम शॉर्ट में ऑप्शंस होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शंस। इस ऑप्शन में होता है सेफ शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, डिफॉल्ट टॉप टू टॉप बॉटम शॉर्ट करते हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का भी ऑप्शन होता है। और हम क्या करेंगे, रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। देखिए शॉर्ट क्या करेगा कि ये जो 1 है, इस 1 ए 1 है, दोनों 1 इकट्ठा हो जाएगा, एक 1 में डेटा है, एक 1 में ब्लैंक्स एरिया है। और जब भी शॉर्ट में कॉलम या रो ऊपर नीचे जाता है तो पूरा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 उठ के जाएगा, पूरा उठ के जाएगा 1 से लेके जहां तक सिलेक्टेड है। जैसे देखिए ओके कीजिए, तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि हम हर एक सेल के बाद ब्लैंक सेल इंटर, ब्लैंक कॉलम हमने इंटर कर लिया, राइट, हो गया ना सर, समझे कि नहीं, दोबारा समझाओ। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि सब में डिवाइड करके कॉपी पेस्ट करना। तो एक तरीका यह है कि एक एरिया में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एंटर मारेंगे तो नीचे आएगा, एक एरिया सेलेक्ट करके हम कुछ भी टाइप करके एंटर मारेंगे तो नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो पूरे सिलेक्टेड एरिया में वो एरिया वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, चाहे वो नंबर हो या फॉर्मूला हो। तो अब प्रॉब्लम आती है कि मुझे सारे ब्लैंक्स को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है, इस तरह से, समझे? तो इसकी मदद मुझे करेगा फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल, जहां है यहां, ये देखिए ब्लैंक्स है। लेकिन इसको सेलेक्ट करने से पहले डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये यूज्ड सेल पे चलता है तो बाकी ब्लैंक एरिया भी सिलेक्ट होने का डर है। तो गो टू स्पेशल और हमने बोला ब्लैंक, ठीक है, यहाँ यहाँ कंट्रोल डी से भी आ जाता है, फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेस कंट्रोल, नहीं हाँ ये है, ये है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट एक्सेल ही पढ़ाऊंगा, जो मैंने पढ़ा रहा हूँ पुराने एक्सेल में भी अवेलेबल है, सेम लोकेशन, ठीक है, लेकिन नया एक्सेल अपडेट कीजिए क्योंकि पुराना क्यों सीखिएगा, 2007 अगर आपके पास है तो, 2007 आपके पास है, 15 नहीं होगा, 13 होगा, 16 होगा, 19 होगा, 21 होगा,
10 तो सर करीब 14 साल पुराना सा है आपका। सोचिए 14 साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप, नया ले लीजिए, बाय कर लीजिए ना, 600 रुपया मंथली है, जितना लर्न करे तो बाय कर लीजिए सब्सक्रिप्शन, 400 कुछ रुपया है, 400 या 500 रुपया मंथली है। पहले तो था मांगे थे कि ईयरली पे ईयरली बिलिंग होता था, आप तो मंथली कर दिया ना इसका, और आपको साथ में 1 TB का क्लाउड स्पेस भी दे देता है ना। तो यहां पे हमने इक्वल किया, इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाई 70 किया। अब मैं नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर, और फिर हम परसेंट सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट का मतलब ये हुआ। तो हमारे क्लासेस में एक तो इस तरह की एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने ऑफिशियल एनवायरमेंट, एक प्रॉब्लम बेस्ड, और दूसरा शॉर्टकट में आपको हम कुछ इस तरह के शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो हमारी क्लासेस में कुछ इसी तरह से चीजें आप बताई जाएगी, हर क्लास रिकॉर्ड होगा, देखिए सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास